डू वन थिंग डू वन थिंग डू अब इस बात की गहराइयों में चलो और इस लाइन को पढ़ो सफलता के हृदय में सिर्फ एक चीज निवास करती है और वो ही असाधारण परिणाम अर्जित करने का प्रस्थान बिंदु होती है सफलता नामी इंसान में सफलता नामक तत्व में सफलता नामक एलिमेंट के हृदय में कलेजे में रे उसके दिल में एक चीज निवास करती है एक चीज इस धरती पे कोई इंसान किसी एक काम को पूरे प्राणों से पूरी आत्मा से पूरे हृदय से अपना पूरा जीवन लगा के कोई एक काम कोई एक चीज कर ले वे। तो असाधारण परिणाम उसके अड़ोसी पड़ोसी मोहल्ला परिवार राज्य लोग जो सोच नहीं सकते इतना एक्सपोनेंशियल इतना विस्फोटक इतना एक्सप्लोरर इतना जबरदस्त परिणाम आता है जब वो कोई एक काम करता है कोई एक चीज करता है और ये उसका प्रस्थान का बिंदु है यह वो ओरिजन का बिंदु है जहां से बहुत बड़ी नदी निकलेगी दुनिया की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है अमेजन नदी और उसका ओरिजन बिंदु पता है कौन सा है उसका ओरिजन बिंदु जहां से वो निकलती है वहां से एक एक बूंद गिरती है और एक बूंद और दूसरी बूंद के बीच में अंतर आठ सेकंड का रहता है दुनिया की सबसे लंबी नदी जहां से निकल रही है वहां से पानी एक एक बूंद गिर रहा है और एक एक बूंद पानी के बीच की जो टाइमिंग है वो है आठ सेकंड लेट एक बिंदु एक ड्रॉप गिरा अब आठ सेकंड फिर दूसरा ड्रॉप तीसरा और ये बूंदे जाके दुनिया की सबसे बड़ी अमेजन नदी बना रही है क्या मतलब उस एक बूंद ने आठ सेकंड का अनादि काल से रूल नहीं तोड़ा वो एक बिन, एक बूंद आठ सेकंड के अंतर से गिर रही है लेकिन उसने कभी दिवाली की छुट्टियां नहीं मनाई उसने कभी होली के गीतों में अपना टाइम खराब नहीं किया उसने कभी भी ऐसा समय खराब नहीं किया जो कहेंगे अब मैं तो थोड़े दिन नहीं गिरूंगी अब इतना गिर ली हजारों वर्षों से वो एक बूंद आठ सेकेंड के अंतर से हजारों सालों से गिर रही है ओरिजन बिंदु जिसका बूंद है दुनिया की सबसे लंबी नदी बना दी अमेजन एक एक चीज डू वन थिंग ये वो फार्मूला है जिससे आप धरती की कितनी भी बड़ी कामयाबी अर्जित कर सकते हो डू वन थिंग डू वन थिंग एक काम एक काम एक चीज और पूरी समग्र ऊर्जा उसके पीछे खपा दो कोई एक चीज विश्व के अरबों लोग इसलिए गरीब हैं इसलिए फेल हैं क्योंकि वो अपने जीवन की ऊर्जा को पलटते रहते हैं अपनी ऊर्जा को बदल बदल के लगाते रहते हैं अपनी ऊर्जा के केंद्र बिंदु बदलते रहते हैं अपनी ऊर्जा को बिखराते रहते हैं सत्तर काम सत्तर पचड़े सारी दुनिया को संभालूंगा मैं सत्तर जगह ठोक रहे मत खा कोई एक कर ले एक में एनर्जी लगाई तो विस्फोट होगा और अनेक में लगाई तो सूतली बम तो छोड़ो पिटकड़ी भी नहीं फूटेगी इस साल एक 600 फिट पे पानी आएगा और साठ साठ फिट के दस खड्डे खोद लिए बारे पारी को नहीं, नहीं आया 600 फिट खोदना चाहिए था देख लो लिया, पूरा एक जगह खोदना था एक जगह कलमुए एक सिद्ध में क्या मतलब इस दुनिया के साढ़े सात अरब लोगों में से सफल लोगों की संख्या परसेंटेज में नहीं है परसेंटेज में नहीं है ज्यादा हो जाते हैं परसेंटेज में और जो जितने हैं वो सब अपना पूरा हृदय निकाल के आपको कह रहे हैं डू वन थिंग डू डू अगर आप बैठे हुए इस हॉल में बैठे हुए 500 लोग अगर ये कह रहे हैं कि मैं मेरी जिंदगी सेल्स में बनाऊंगा अब इस बात को अर्थी के साथ उठनी चाहिए ये बात अर्थी उठेगी साली उस दिन उठूंगा उससे पहले यही काम में अपना जीवन बनाऊंगा इतना जिंदगी में कमिटमेंट चाहिए एक काम एक चीज एक घटना एक जिंदगी की एनर्जी एक जगह एक जगह एक चीज एक काम आपको इतिहास रचने में मदद कर देती है एक चीज क्योंकि सफलता के हृदय में एक चीज एक काम एक घटना एक वजह एक प्रोफेशन एक वर्क में अपना पूरा जीवन लगा दो तब दुनिया सचिन तेंदुलकर कहती है टेंथ की टेंथ क्लास में फेल हो गया जो लड़का लेकिन क्रिकेट नहीं छोड़ा क्योंकि उसकी एक चीज उसकी एक चीज इतनी खतरनाक थी दुनिया हिला दिया रे उसी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो बच्चा टेंथ क्लास में फेल हो गया था उस टेंथ क्लास की किताब में पहला चैप्टर ही सचिन तेंदुलकर का डालना पड़ गया यह है एक चीज जाकिर हुसैन को तबला बजाने में पूरा जीवन लगा दिया सारंगी बजाने के लिए नहीं निकल पड़ा तीन मेरे झड़ा बजाई नहीं आ रहा सारंगी बजा ले रहे बजा ले रहे अरे फिर और नहीं तो और कुछ बजा ले ना खून नहीं आए तब तक नहीं रुका और पूरे जीवन दुनिया इतिहास बना दी जाकिर हुसैन का नाम इतिहास में दर्ज हो गया किसी एक काम में सोचो उसके पास दशरथ मान जी के पास कितनी बार मोहिनियां कामनियां भटकाने के लिए आए होंगे लेकिन जिंदगी के तीस साल एक ही काम वो भी इतना बोरिंग की धरती पर इससे बोरिंग काम नहीं हो सकता लेकिन पूरे प्राणों से पहाड़ फोड़ा रहे सिर्फ एक वजह से क्योंकि अंदर की चिंगारी ने कह दिया था ये एक ही करूंगा एक इतिहास रच दिया कौन कह सकता था आज से तीस साल पहले कि पहाड़ तोड़ने में इतिहास रच जाएगा कौन कहता था कि अकेला आदमी अकेला बारह साल का बच्चा जाधव मोलाई पयांग आसाम में बाढ़ आने से पूरा जंगल तबाह हो जाएगा और एक बारह साल का बच्चा अपने आप से कसम खाएगा प्राण रहेंगे इस शरीर में तब तक आसाम में पेड़ लगाऊंगा बारह साल के बच्चे ने अकेले ने जंगल खड़ा किया दुनिया का सबसे बड़ा जंगल मोलाई फॉरेस्ट एक अकेले बच्चे ने तेरह सौ एकड़ में जाधव मोलाई पयांग ने एक चीज कोई एक चीज कोई एक थिंग डू वन थिंग डू वन थिंग मैंने इतिहास बनाया सिर्फ एक काम इतिहास बनाता है और वो एक काम जब ओटो पायलट जोन पे समताप मंडल पे चला जाता है उसके बाद आप अपने आप को एक्सपेंड कर सकते हो लेकिन जब तक समताप मंडल पे नहीं जाए डू वन थिंग सत्तर के चक्कर में चतुर्भुज बन जाओगे किधर के भी नहीं रहोगे एक काम कर लो एक सत्तर के चक्कर में मत पड़ो बिलगेट्स ने एक जगह जीवन लगा दिया वारन बफेट ने पूरे जीवन कहा बिल तू ये क्या काम करता है तेरा काम मुझे समझ में नहीं आता पता है आपको दोनों दोस्त हैं वो बिल गेट्स और वारन बफे ऐसे अपना रामू शामू है ना वैसे हैं वो तो कहता है तू क्या काम कर कंप्यूटर क्या है और बिल गेट्स कहता है तू ये क्या करते रहता है यार ये ऊपर जाएगा नीचे आएगा ऊपर जाएगा नीचे जाएगा क्या मतलब है इस दुनिया के दो सबसे नंबर वन नंबर टू अमीर लोग एक दूसरे के कामों के लिए से कहते हैं क्या समझे अपने काम में अपना पूरा जीवन ऐसे खपा दो आदमी पैदा नहीं हुआ जिसने एक काम में सर्वश्रेष्ठ लगा दिया हो और उसको पछताना पड़ा हो इस धरती पे एक भी आदमी ऐसा नहीं है जिसने एक काम में पूरा सर्वश्रेष्ठ दे दिया हो और उसे जीवन में पछताना पड़ा हो धरती पे एक नहीं है एक नहीं है सर एक ये घटना छोटी मोटी नहीं है किसी ने एक काम में सर्वश्रेष्ठ लगा दिया हो सर्वश्रेष्ठ उसे कहते हैं सारा त्याग सारा बलिदान जितनी प्राइस पे करनी पड़ी है वो कई रातें कई दिन कई भूखे सब लगा दिया हो ऐसा एक नहीं है फिर उसको पछताना पड़ा हो इस बात का मतलब आप अपवाद नहीं होगे आप भी उसमें शामिल हो जाओ डू वन थिंग कोई एक चीज में प्राण न्योछावर कर दो कोई एक चीज में जीवन न्योछावर कर दो एक चीज में न्योछा और करने का मतलब है पूरी दुनिया के सारे काम मेरे लिए बेकार हैं। एक जगह प्राण लगाओ डू वन थिंग एक बात मेरे साथ बोलोगे आप एक बात एक बात बस एक बात, एक बात, एक, बात एक बात सोच लो उस एक बात पे टिके रहो इसमें आवाज कमाई थोड़ी <laughs> उस एक बात में <laughs> उस एक बात में <laughs> उसके अलावा कुछ भी करना यानी बेकार <laughs> उस एक बात के अलावा कुछ भी करना यानी विश्व का एक द्रव्य जैसे दूसरे द्रव्य के लिए बेकार है अपनी अपनी जगह कीमती है लेकिन उसका उसकी जगह बेकार ऐसे विश्व का हर काम आपके काम के अलावा इतना पूजन करो अपनी आस्था के साथ अपने काम का डू वन थिंग अगर चुन लिया तो अब टेस्टिमोनियल की तरह नहीं अब ज्यादा गिल्ली डंडा नहीं अब ज्यादा इधर उधर ध्यान भंग नहीं नहीं तो प्रकृति थपेड़े मारेगी ध्यान भंग होते प्रकृति लफड़े मारती है डू वन थिंग इसके अलावा कुछ भी करना यानी बेकार सफलता क्रमबद्ध रूप से हासिल की जाती है एक बार में एक चीज पर ही काम करना सफलता की ओर लेके जाता है डू 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 इस नियम को आपके प्रोफेशन पे इंप्लीमेंट करना आपको आज अपनी जिंदगी में एक निर्णय लेना है अगर अमीर बनना चाहते हो तो जिस काम को आपने आज सेलेक्ट कर लिया है जिसका चयन अब कर लिया है अब प्राणों के साथ ही जाएगा अब प्राणों के साथ ही जाएगा ऐसा अपने प्रोफेशन का चुनाव करना है समझ में आया एवरीबडी yes. समझ में आया